एक छोटे से गांव में ओम नाम का एक लड़का रहता था। वो बांसुरी बनाकर उन्हें गांव में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। ओम बांसुरी भी बहुत सुंदर बजाया करता था। उसी गांव के साहूकार की एक बेटी मोहिनी थी, जिसे ओम बहुत प्यार करता था। मोहिनी भी ओम को बहुत चाहती थी। जब कभी भी ओम को मोहिनी से मिलने का मन करता तो वो बांसुरी से एक मधुर धुन बजाता, जिसे सुनकर मोहिनी जहाँ कहीं भी होती उसकी ओर खींची चली आती। एक दिन की बात है, आधी रात का समय था। ओम एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था, तभी उसे मोहिनी की याद सताने लगी। मोहिनी से मिलने का बड़ा मन हो रहा है। ओम अपनी कमर में बंधी बांसुरी निकालता है और बड़ी ही मधुर धुन बजाने लगता है। ये धुन तो ओम की बांसुरी की है। ओम मुझे बुला रहा है, मुझे ओम के पास जाना होगा। मोहिनी ओम की बांसुरी की धुन की आवाज सुनकर उसके पास चली जाती है। उसे देखकर ओम बड़ा खुश हो जाता है। मोहिनी, आ गई तुम? आती कैसे नहीं, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? ओम को देखकर मोहिनी उसके गले लग जाती है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा भी यही हाल है, जब तक मैं तुम्हें एक पल के लिए देख न लूं, मुझे चैन नहीं आता। पर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे पिताजी तुमसे मेरी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि तुम एक गरीब परिवार के बांसुरी बेचने वाले हो, जिसे मेरे पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है, जो मैं गरीब परिवार से हूँ और अगर मैं बांसुरी बेचता हूँ तो? तुम समझते क्यों नहीं, मेरे पिताजी मेरी शादी अपने बराबर के परिवार में करना चाहते हैं। बातों ही बातों में मोहिनी को समय का पता नहीं चलता। तभी उसका ध्यान अपने घर की ओर जाता है। अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं और तुम्हारी भी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मोहिनी ओम से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। तभी घर के बाहर खड़ी उसकी माँ मिलती है। इतनी रात गए कहाँ गई थी तू? वो माँ मेरी सहेली है ना, बरखा, उससे मिलने गई थी। इतनी रात गए? माँ, उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसे देखने के लिए गई थी। ठीक है ठीक है, आगे से इतनी रात में बिना बताए घर से मत निकलना। मोहिनी माँ की बात सुनकर हाँ में हाँ मिला देती है और सोने चली जाती है। और अगले दिन मोहिनी की माँ अपने काम में लगी हुई थी और मोहिनी के पिताजी अपना कुछ हिसाब किताब देख रहे थे, तो मोहिनी अपने माँ पिताजी की नज़र बचाकर ओम से मिलने चली जाती है। उसे पता था कि इस समय ओम उसे नदी के किनारे बांसुरी बजाता हुआ मिलेगा। जब वो ओम के पास पहुँचती है तो देखती है ओम अपनी आंखें बंद करके बहुत ही सुंदर मधुर धुन बजा रहा था। मोहिनी ओम के पास बैठकर उसकी बांसुरी की धुन सुनने लगती है। जब ओम आंख खोलकर देखता है, आ गई तुम? मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ? मैं सब समझता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं एक बार जाकर तुम्हारे पिताजी से बात करूं। अरे नहीं, तुम भूल कर भी कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे मेरे पिताजी गुस्सा हो जाएं। वो तुम्हें तो मार ही डालेंगे, साथ में मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? अब मुझसे भी तुमसे दूर रहा नहीं जाता। फिर ओम और मोहिनी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी वहाँ से मोहिनी के घर का नौकर जा रहा था तो वो उन दोनों को देख कर रुक जाता है। फिर वो ओम और मोहिनी को छुप कर देखने लगता है। अरे ये क्या, ये तो साहूकार जी की बेटी है और ये तो ओम है जो बांसुरी बेचता है। साहूकार की बेटी ओम के साथ इस तरह से गले लगी हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बात तो मुझे साहूकार जी को बतानी पड़ेगी। नौकर फटाफट साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, साहूकार जी। अरे क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है? वो साहूकार जी, वो क्या कुछ बताएगा भी या वो करता रहेगा? जी 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 जी, जो मैं बताऊंगा वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ओहो, अब बताएगा भी या बोलता ही रहेगा? मालिक, आपकी बेटी और ओम वहाँ नदी किनारे एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। बदतमीज, मैं तेरी जबान खींच लूंगा अगर तूने एक शब्द और बोला तो। मालिक, आप चाहे मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैंने खुद इन अपनी आँखों से उन दोनों को एक दूसरे के गले मिलते हुए देखा है। चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर तेरी ये बात झूठ निकली तो तुझे पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? मुझे मालूम है मालिक, मैं आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता, तभी आपको बता रहा हूँ।
साहूकार गुस्से में अपने साथ नौकरों और गांव वालों को इकट्ठा करके नदी किनारे ओम के पास चल पड़ते हैं। मोहिनी दूर से ही गांव वालों को अपनी ओर आता देख ओम से कहती है, ओम ओम जाओ यहाँ से, गांव वाले हमारी ओर ही आ रहे हैं, लगता है उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। पागल मत बनो, चले जाओ यहाँ से। मोहिनी ओम को भगाई रही होती है, तभी साहूकार और गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी साहूकार गांव वालों से ओम को पकड़ने के लिए कहता है, पकड़ो इस बेशर्म को, इसका इश्क का भूत तो मैं उतारूंगा, ले चलो इसे कुएं के पास। फिर गांव के सब लोग ओम को कुएं के पास ले जाते हैं, तो साहूकार गांव वालों से कहकर ओम को कुएं में डलवा देता है और उसके साथ बहुत सारे चूहे कुएं में छोड़ देता है। ये देखकर मोहिनी रोने लगती है, छोड़ दो मेरे ओम को, उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मेरे ओम को, वो मर जाएगा। उसकी यही सजा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक साहूकार की बेटी के साथ प्यार करने की। ओम बहुत जोरों की चिल्लाता है और अपनी मदद के लिए आवाज लगाता है, परंतु उसकी कोई नहीं सुनता। चूहों के नोचने से कुछ देर बाद ओम वहीं कुएं में मर जाता है। तभी से ही ओम एक भूत बन जाता है और उसकी आत्मा उस कुएं में भटकने लगती है, और वो भूत हर रोज रात को अपनी बांसुरी बजाता और अपने भूतिया चूहों को गाँव में भेजने लगा। जाओ जाओ चूहों, और गांव के लोगों का शिकार करो। ऐसे ही एक रात भूत कुएं में बांसुरी बजा रहा था, फिर वो अपने चूहों को उसी गांव में भेजता है और वो चूहे गांव में घूमने लगते हैं। तभी उन भूतिया चूहों को एक आदमी दिखाई देता है। मिल गया शिकार, अब मैं तुम्हें काटूंगा। फिर क्या था, भूतिया चूहे उस आदमी को पकड़ कर काटने लगते हैं। जैसे ही वो उस आदमी को काटते हैं, वो आदमी भी चूहा बन जाता है। फिर वो चूहा भी उसी कुएं में आ जाता है जिस कुएं में भूत बांसुरी बजा रहा था। फिर अगले दिन उसी गांव का एक आदमी सरजू अपने साथी को ढूंढ रहा था। ये मोहन भी ना पता नहीं बिना बताए कहाँ चला गया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो मोहन बिना बताए कहीं चला गया हो। मोहन को ढूंढते ढूंढते सरजू को रात हो जाती है, पर उसे मोहन का कुछ पता नहीं चलता, तो वो थक हार कर अपने घर चला जाता है। पर उसे मोहन के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। वो आदमी अपने घर की खिड़की के पास बैठा मोहन के बारे में सोच रहा था। तभी वो देखता है कि बहुत सारे चूहे गांव में घूम रहे हैं। अरे ये चूहे अचानक से कहां से आ गए? तभी उसने देखा कि साहूकार कहीं से आ रहा था, तो वो भूतिया चूहे साहूकार को पकड़ लेते हैं और उसे काट खाते हैं, और देखते ही देखते साहूकार भी चूहा बन जाता है। ये देखकर तो सरजू के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, चूहों के काटने से साहूकार चूहा बन गया, ये क्या चक्कर है? ये देखकर सरजू बुरी तरह डर जाता है और वो अपनी खिड़की बंद कर देता है और वो सो जाता है। इसी तरह ज्यादातर गांव के लोग भूतिया चूहों के काटने से चूहे बन जाते हैं। और अगले दिन गांव के सभी लोग ज्यादातर चूहे बन चुके थे, और ये बात किसी को पता नहीं थी कि आखिरकार आदमी कहाँ गायब हो रहे हैं और गांव में अचानक से चूहे कहाँ से आ रहे हैं। ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से चूहे कहाँ से आ गए और गांव के आदमी कहाँ गायब हो गए। तभी वहाँ सरजू आ जाता है और वो चूहों वाली घटना सभी गांव वासियों को बताता है। कल रात मैंने अपनी आँखों से साहूकार को चूहा बनते देखा है, वो भी भूतिया चूहे के काटने से। फिर सभी गांव वाले आपस में कहने लगते हैं, ऐसे तो गांव में एक भी आदमी नहीं बचेगा, पर गांव के आदमियों को चूहे चूहा क्यों बना रहे हैं? तभी दूसरा गांव वासी कहता है, ओहो चलो हम सब गांव के पुजारी के पास चलते हैं, वो ही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। फिर गांव के सभी लोग पुजारी जी के पास जाते हैं और वो पुजारी जी को सारी घटना बताते हैं। पुजारी जी कुछ देर अपनी आंखें बंद करके गांव वालों को बताते हैं। इस गांव के ऊपर भूतिया साया है, कुछ साल पहले तुम लोगों ने एक प्यार करने वाले को अलग करके उसे चूहों के साथ एक कुएं में छोड़ दिया था, तो चूहों ने उस आदमी को मार डाला, जिसका बदला वो गाँव के लोगों को चूहा बना करके ले रहा है। पुजारी जी हमारी मदद करो, उस भूत से हम गांव वालों को बचाओ। मुझे उस कुएं के पास ले चलो जहां उसकी मौत हुई थी। फिर गांव वाले पुजारी को कुएं के पास ले जाते हैं। कुएं के अंदर से बांसुरी की आवाज आ रही थी,
फिर पुजारी जी मंत्र पढ़कर भूत को बुलाते हैं। मुझे क्यों बुलाया तुमने? मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। मुझे पता है गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम इन गांव वालों को परेशान मत करो। जो तुमने गांव के लोगों को चूहा बनाया है उन्हें फिर से आदमी बना दो। नहीं, कभी नहीं। मैं तड़पता रहा, चीखता रहा, मेरी प्रेमिका मेरे बिना मर गई। इन गांव वालों की वजह से मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। माफ कर दो इन्हें, फिर कभी ये किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। फिर सभी गांव वाले भूत से माफी मांगते हैं तो भूत उन्हें माफ कर देता है। फिर पुजारी कुएं के पास हवन पूजा पाठ करके भूत को मुक्ति दिला देता है।